हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि हम पिछले क्लास में जो पढ़े थे वो पढ़े थे हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। लास्ट टाइम में आपको पढ़ा दिए थे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, वो आपका लास्ट था, ठीक है। अब इसके आगे जो हमें पढ़ना है, जो एग्जाम्स में 5 नंबर में पूछे जाते हैं, कितने नंबर में पूछेंगे? 5 नंबर में, जिसका नाम है वान डे ग्राफ जनरेटर। क्या नाम है? वान डे ग्राफ जनरेटर। तो आइए इसे हम देखते हैं। क्या नाम है? वन डे ग्राफ जनरेटर। वन डे ग्राफ जनरेटर, इसका हिंदी जो होता है ये होता है वन डे ग्राफ जनरेटर। जनरेटर ये इसका हिंदी होता है। तो समझिए होता क्या है। ये जो है, जैसे आप लोग ने जनरेटर का नाम सुना होगा, जैसे जनरेटर जो होता है, जनरेटर से क्या निकलता है, जैसे वो वोल्ट निकालता है। क्या निकालता है? वोल्ट। तो वोल्ट निकलता है, वोल्ट से हम बहुत सारा उसे इलेक्ट्रिकल जो इंस्ट्रूमेंट सब होता है वो हम चलाते हैं, ठीक है। ऐसे करके देखते हैं तो यह भी एक तरह का वान डे ग्राफ जो जनरेटर जो होता है, यह भी एक तरह का क्या है, जनरेटर काम करता है। इससे हाई मतलब ए हग अमाउंट ऑफ वोल्टेज, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, इससे वोल्टेज उत्पन्न होती है, जिसे हम विभिन्न यंत्रों को चलाने में यूज इसका करते हैं, ठीक है। तो आइए समझिए, जैसे ये होता क्या है, तो बोलेंगे इसे इट इज ए इलेक्ट्रिकल, इट इज, ऐसे लिखे, इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच कैन बिल्ड अप ए हग अमाउंट ऑफ वोल्टेज, ठीक है। यह देखिए, यह क्या है, यह एक तरह का इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब विद्युत से चलने वाले क्या है, यंत्र है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हम बोल सकते हैं, ठीक है, यंत्र है। विच कैन बिल्ड अप ए हग अमाउंट ऑफ वोल्टेज, यह जो होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, हग कहने का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करता है, वोल्टेज को प्रोड्यूस करता है, वोल्टेज को उत्पन्न करता है, ठीक है। क्या करता है? हग अमाउंट ऑफ मात्रा में वोल्टेज को उत्पन्न करता है, ठीक है। अब देखें, इसे हम बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं, ये भी बोलेंगे, इट इज ए मशीन, इट इज ए मशीन दैट कैन बिल्ड अप ए लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए क्या बोलेंगे, इट इज ए मशीन दैट कैन बिल्ड अप ए लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए क्या बोलेंगे, ड्यू टू ए हग अमाउंट ऑफ वोल्टेज, अमाउंट ऑफ वोल्टेज द रिजल्टिंग क्या बोलेंगे, द रिजल्टिंग लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सेलरेट ए चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन
प्रोटॉन एंड आयंस, एंड आयंस। अभी देखिए होता क्या है, यह क्या होता है, एक तरह का मशीन होता है दैट कैन बिल्ड अप ए लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत भारी संख्या में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं ड्यू टू ए हग अमाउंट ऑफ वोल्टेज। मतलब ये जिसके कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में वोल्टेज को उत्पन्न करता है, क्या करता है, उत्पन्न करता है। द रिजल्टिंग लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है ड्यू टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल। मतलब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आयंस, मतलब आयंस या आयंस, मतलब बोल सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और आयंस क्या होता है, ये चार्ज पार्टिकल है। तो ये चार्ज पार्टिकल क्या होता है, एक्सेलरेट होता है। एक्सेलरेट मीन्स क्या होता है, घूमता है, बहुत तीव्र गति से घूमता है। तो घूमने के पश्चात क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा तो वहाँ से हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज क्या होगा, उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, प्रोड्यूस होगा, क्या होगा, वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ये इसका काम होता है। तो ये आप समझ गए होंगे, मतलब हम क्या बोलेंगे, वैन डेर वाल्स जनरेटर जो होता है, ठीक है, वो हग अमाउंट ऑफ वोल्टेज क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, मतलब उत्पन्न करता है। क्या करता है, उत्पन्न करता है। कैसे उत्पन्न करता है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और आयंस, ये तीनों क्या होता है, ये तीनों चार्ज पार्टिकल जो होते हैं एक्सेलरेट होते हैं, मतलब इतना तीव्र गति से घूमेंगे, इतना तेज गति से घूमते हैं, जो क्या करते हैं, अपने आसपास के क्षेत्र में जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर लेते हैं, और डेवलप होने के पश्चात क्या होता है, वहाँ से हग अमाउंट ऑफ वोल्टेज, मतलब बहुत भारी संख्या में वोल्टेज को ये उत्पन्न करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, वैन डेर वाल्स जनरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, वैन डेर वाल्स जनरेटर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या देखेंगे, इसका हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे, क्या देखेंगे, कंस्ट्रक्शन। देखिए आपको दिखाते हैं, तो हेडिंग में आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ वैन डेर वाल्स जनरेटर। क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ वैन डेर वाल्स जनरेटर। कंस्ट्रक्शन ऑफ वैन डेर वाल्स जनरेटर, क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ वैन डेर वाल्स जनरेटर, क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ वैन डेर वाल्स, वैन डेर वाल्स जनरेटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ वैन डेर वाल्स जनरेटर। मतलब हम देख रहे हैं वैन डेर वाल्स जनरेटर जो होता है उसका हम क्या देख रहे हैं, बनावट देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, वैन डेर वाल्स जनरेटर की हम बनावट देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं वैन डेर वाल्स जनरेटर की बनावट कैसे होती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये जो आपका है, ध्यान से समझिएगा, ये जो होता है मेटल, मेटल का बेस होता है, ये क्या है, मेटल बेस, ठीक है। मतलब ये किसी धातु का क्या होता है, इसका आधार बना होता है, किसी धातु का क्या बना होता है, ये आधार होगा, क्या होगा, आधार, ठीक है, ये किसी धातु का आधार होता है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, दो पुली लगे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये यहाँ से ऐसे करते हैं, ये होता है, ये बाउंड्री लाइंस होता है। अब यहाँ से ये ऐसे करके होता है, ठीक है, यहाँ पे दो पुली लगे होते हैं, कितना पुली, दो पुली, जिसको हम ये फर्स्ट पुली बोलेंगे, ठीक है, और यहाँ पे ये सेकेंड पुली होता है। क्या होता है, ये सेकेंड पुली होता है, ये पुली है, क्या है, ये पुली, ये फर्स्ट पुली है, ये वाला सेकेंड पुली है, ये वाला आपका सेकेंड पुली हो जाएगा, ठीक है, ये फर्स्ट पुली है, सेकेंड पुली। अब फर्स्ट पुली और सेकेंड पुली जो होता है, ये दोनों जो होता है एक बेल्ट से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, ये बेल्ट लगा हुआ है,
क्या लगा हुआ है, बेल्ट ये है, ठीक है, ये बेल्ट है, इसको बोलेंगे मोटर ड्रिवन वायर टू कैरी ए चार्ज, मतलब मोटर को ड्रिवन करने वाला क्या है, वायर है, जिसको मतलब चार्ज को क्या करता है, ये कैरी करने का काम करता है, यहाँ से चार्ज कैरी होगा, ये चार्ज है, इस पे इस बेल्ट पे क्या होता है, ये चार्ज जाता है, ठीक है, ये चार्ज जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे मेटल का ब्रश लगा होता है, ठीक है, मतलब धातु का ब्रश लगा होगा, ये मेटल ब्रश इसको बोलते हैं, मेटल ब्रश मतलब धातु का ब्रश लगा होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं मेटल ग्राउंड भी बोलते हैं, या बोलते हैं मेटल ग्राउंड बेस, ठीक है, मेटल ग्राउंड बेस भी इसे बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ से बाहर से क्या होगा, ये आउट ऑफ सोर्स है, आउट ऑफ सोर्स मतलब बाहरी स्रोत से होता है, कितना 10,000 टू 20,000 वोल्टेज, क्या करता है, आउट ऑफ सोर्स से दिया जाता है, किसे दिया जाता है, आउट ऑफ सोर्स से दिया जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं मोटर ड्रिवन पुली, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं, इंसुलेटिंग वायर बोलेंगे, इसको बोल देते हैं इंसुलेटिंग वायर, ठीक है, इंसुलेटिंग वायर वो होता है, ठीक है। तो ये आपका वैन डेर ग्राफ जनरेटर का क्या है, कंस्ट्रक्शन है, क्या है ये, कंस्ट्रक्शन है। अब इसके बारे में हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो देखिए इस फिगर में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, जैसे देखिए ये मेटल का बेस बना होता है, जिसमें क्या होता है, इसमें इस फिगर में क्या है, मतलब वैन डेर ग्राफ जो जनरेटर है, इसमें क्या दो पुली लगा होता है, दोनों पुली जो होता है किसे, इंसुलेटिंग वायर से जुड़ा होता है, जो क्या करता है, मूविंग करने का काम करता है, और ये चार्ज को क्या करता है, कैरी करता है, जब चार्ज को कैरी करेगा ये, ठीक है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करता है, और आउट ऑफ सोर्स से क्या होता है, 10,000 से 20,000 वोल्टेज क्या किया जाता है, दिया जाता है, जब दिया जाता है तो इससे हग अमाउंट ऑफ वोल्टेज क्या होता है, उत्पन्न होता है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में वोल्टेज क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है, बस यही लिखना है। तो हम बोलेंगे क्या, इन दिस फिगर, देयर आर टू पुली, इज कनेक्टेड द इंसुलेटिंग वायर, क्या बोलेंगे, इन दिस फिगर देयर आर टू पुलीज इज कनेक्टेड द इंसुलेटिंग वायर टू कैरी ए चार्ज, एंड द आउट ऑफ सोर्स, फ्रॉम 10,000 टू 20,000 वोल्टेज गिवेन देम, मतलब ये हुआ, जैसे देखिए इससे क्या होता है, सारा बातों में बोला ही हूँ, ठीक है, 10,020 वोल्टेज क्या करता है, देता है, देन द देन द
ए हग अमाउंट ऑफ वोल्टेज प्रोड्यूस्ड क्या होगा, ए हग अमाउंट ऑफ वोल्टेज प्रोड्यूस्ड क्या होगा, ए हग अमाउंट ऑफ वोल्टेज प्रोड्यूस्ड मतलब ये हुआ बाहरी स्रोत से कितना कितना वोल्टेज लेता है, 10,000 to 20,000 क्या करता है वोल्टेज लेता है, मतलब दिया जाता है या लेता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इसमें ए हग अमाउंट ऑफ वोल्टेज मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है वोल्टेज इसमें प्रोड्यूस होने लगता है, मतलब उत्पन्न होने लगता है, क्या होने लगता है उत्पन्न होने लगता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ वांडेग्राफ जनरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये टोटल अगर आपसे पूछे कंस्ट्रक्शन एंड व्हाट इज वांडेग्राफ जनरेटर, तो तीनों कितने 5 नंबर पूछे जाएंगे। अब ओनली फॉर डिफिनेशन आपसे अगर पूछे तो इसे हम क्या बोलेंगे, 2 नंबर में पूछेगा, ओनली फॉर डिफिनेशन पूछेगा तो 2 नंबर में, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्लास समझ में आती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अधिक से अधिक संख्या में आइए और इस पिक्चर मतलब इस वीडियोज को शेयर कीजिए और देखिए। थैंक यू।